अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे कि आपको अवगत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इससे पहले देश को संबोधित किया था, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की थी। उसके साथ ही कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं और हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, उन सबके साथ भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग स्ट्रैटेजीज और साथ ही और क्या कार्य करने चाहिए कि जिससे इस महामारी से देश बच सके, उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा की थी। जिसके साथ ही जिसमें जो एक मुख्य अंश निकल कर आया था, जो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब हम ये सारे कार्य कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ केयर स्टाफ को, अपने हॉस्पिटल्स के स्टाफ को, उनकी सर्विसेज को बेस्ट यूटिलाइज करें और कोशिश करें कि कुछ दिनों तक इलेक्टिव सर्जरीज को हम अगर स्थगित कर सकते हैं तो करें, और साथ में हम जब तक कोई सिम्टम्स ना हो हॉस्पिटल ना जाएं और सोशल डिस्टेंसिस को फॉलो करें। उन्होंने और साथ ही जो देश के हमारे राष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक लीडरशिप मोड में सबने ये कहा था कि देश हर तरीके से, मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री सब लोग मिलकर देश हर तरीके से इस परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार है। वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि देश में जैसे कि हमें नीड हो सकती है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और मेडिकल लॉजिस्टिक्स की, उसको मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में किसी भी तरीके से, ताकि उसमें हम उसको प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए भी एक कार्य प्रणाली का होनी चाहिए। उन्होंने यह भी हमें अवगत किया था, सारे मुख्यमंत्रियों ने भी हमें अवगत किया था कि एक एक्शन की कोई भी होल्डिंग ऑफ कमोडिटीज, ड्रग्स वगैरह ना हो, उसके लिए भी रिक्वायर्ड एक्शन लिया जाएगा। पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो हम शुरुआत से ही एक बात कर रहे हैं कि ये एक संपूर्ण सरकार और समस्त समाज, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से हमें काम करना है। उसके पार्ट के रूप में हमारे को, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जन जागरण और जन भागीदारी के रूप में रविवार का दिन हम लोग जनता कर्फ्यू के रूप में मनाएं। जनता कर्फ्यू यानी कि जनता के द्वारा अपनी तरफ से किया हुआ एक कर्फ्यू, अपनी तरफ से किया हुआ एक संयम, अपनी तरफ से लिया हुआ एक संकल्प कि जिसके तहत वो लोग सोशल डिस्टेंसिस को प्रमोट करें, हमारे जितने भी मोस्ट वल्नरेबल जैसे कि हमारे सीनियर सिटीजन्स, उसी तरीके से हमारे जो बच्चे हैं, और साथ ही हर नागरिक अपने घर में रहे, अपने घर में रहकर वो एक सोशल आइसोलेशन को प्रैक्टिस करे, और साथ में एक्सेप्ट जो इसेंशियल कॉमोडिटीज या इसेंशियल एक्टिविटीज़ के अलावा वो बाहर ना निकले, और इस तरह से देश के इस संक्रमण को रोकने के लिए, इस डिजीज़ के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए देश को कैसे तैयार रहना है, उसके भाग के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे एक विनती की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कल शाम 5 बजे जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए कल शाम 5 बजे हम उनको अपनी कृतज्ञता, उनको हम उससे अवगत कराएं। ये जो पूरा प्रयत्न है, ये पूरे देश की एक कलेक्टिव रेजिलियंस कि हम मिलके कैसे लड़ सकते हैं, हम मिलके किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से जूझ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, उसको दिखाने का एक समय है। मैं आपके थ्रू अपने इंडियन नेशनल से गुजारिश करना चाहूँगा कि कल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम अपने दृढ़ संकल्प से, अपने संयम से कैसे हम लोग सोशल डिस्टेंसेस को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम लोग मिलकर इस समस्या से लड़ सकते हैं, उसके लिए एक एग्जाम्पल के रूप में हम सामने आएं। उसके साथ ही एक बहुत मुख्य अंश है कि हमारे हॉस्पिटल्स क्रिटिकल केयर सर्विसेज के लिए रेडी रहें, जिसके लिए हम अब से पहले भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स करते रहे हैं। एक नया ट्रेनिंग हमने क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के ऊपर आज भी पूरे देश में हमने 1000 लोकेशंस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको ट्रेन किया। इसके साथ ही हमने आज ही सारे स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी से वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनसे एक और विनती ये की है कि जितने भी हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं देश की, जहाँ पर कि हम क्रिटिकल केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं, और उसके साथ ही हमारी बाकी हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी कल एक मॉक ड्रिल करें,